हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फ्रांस काफ्का एंड द वर्क इज द कासर। दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1926 एंड लाइक द अदर वर्क्स ऑफ काफ्का दिस इज आल्सो अनफिनिश्ड वर्क अमंग द ट्राइल एंड द अमेरिका एंड द सबटाइटल ऑफ अमेरिका इज द मैन हु डिसअपीयर्ड एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक विच वर्क हैज द सबटाइटल The man who disappears. The work is America, and I have discussed his most important work, Metamorphosis, in my video. And this is my second video in which I am going to discuss Franz Kafka's work, The Castle. And this work is related to a character, and the character name is K. But this novel's plot is very complex, but I will try my best to make it very easy for you. And you know what, Franz Kafka is sometimes also called the Dante of 20th century, and this remark is given by W.H. Auden. So this is the basic information about the work. Now I would like to start the video, but friend, before starting the video I would like to request you that if till now you did not subscribe my channel, please like and share my videos and subscribe my channel also, who are going to prepare for UGC NET literature. So आइए देखते हैं कि इस novel में क्या है। Friends, इस play की जो starting होती है वो starting होती है K. Exactly इस character का name ही सिर्फ K है यहाँ पे। और के की जब एंट्री होती है तो दिखाते हैं कि वो एक एनोनिमस विलेज में गया है, उस विलेज का कोई नेम नहीं है। जब वो उस विलेज में पहुंचता है तो शाम हो चुकी है और वहां पे स्नो फॉलिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से वहां की जो हिल है वो पूरी तरीके से कवर है और इसको कोई भी चीज देखने में वहां बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइम वहां पे कैसा है, इस टाइम पूरा स्नो का माहौल होता है वहां पे। अब जब ये वहां पे पहुंचता है तो इसको लगता है कि मुझे सोने के लिए कोई जगह चाहिए, मैं नाइट कहाँ स्टे करूंगा। तो ये क्या करता है, ये जाता है ब्रिज इन पे, ये ब्रिज इन पे जाता है रुकने के लिए। लेकिन जो ब्रिज इन के ओनर होते हैं वो इसको अंदर तो नहीं एंट्री देते हैं, लेकिन इसको बाहर एक बैग दे देते हैं ग्रास का, जिसे बोलते हैं कि तुम इसको बिछा के तुम बाहर सो सकते हो। तो वो उस घास को उठाता है और उस इन के बाहर बिछाता है और उसमें सो जाता है। इसको सोते हुए बस थोड़ी ही देर ही बीती थी कि इतने में ही इसके पास एक यंग मैन आता है। उस यंग मैन का नाम होता है इसकी वर्जर। ये उस कासल का, जिस कासल के लिए ये यहाँ से गया है उस गांव में, उस गांव के कासल का ये एक ऑफिसर होता है। तो ये जाता है और यहाँ पे के को जगा देता है और के से कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे सो सकते हो, जब तक कि यहाँ पे कासल की परमिशन नहीं होगी तुम्हें यहाँ पे सोने नहीं दिया जाएगा। तो ये बोलता है कि तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ और अभी कासल से जाके परमिशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसकी वर्जर बोलता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, तुम इतनी रात को तुम कैसे कासल में परमिशन लेने जाओगे। तो यहाँ पे के को ये बात सुन के थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है, तो सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में परमिशन ले लूंगा। तो उसको बोलता है कि तो तुमने मुझे इतनी रात को अभी क्यों जगाया, मैंने थोड़ी देर ही पहले तो सोया था, तुम्हें मुझे नहीं जगाना चाहिए था। तो यहाँ पे इस बात को लेकर यहाँ पे इसकी वर्जर और के बीच में आर्गुमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक कासल के लिए चैलेंज बन जाता है। अब यहाँ पे के सुबह उठता है तो वो लोगों से बात करने की कोशिश करता है, उनके साथ फ्रेंडली होना चाहता है और वो कासल जाना चाहता है। एग्जैक्टली यहाँ पे कासल जो कि वो कासल जो कि पूरे उस विलेज को गवर्न करता था, तो यहाँ पे ये आया था जो के, तो उसका पर्पस ये था कि इन लोगों को जरूरत थी एक लैंड सर्वेयर की, मतलब लैंड सर्वे करने के लिए कासल में एक मैन की जरूरत थी। तो ये चीज के को पता चली थी, इसलिए वो यहाँ कासल पे आया था। लेकिन उसको यहाँ पे आने के बाद लगता है कि कासल तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वो जो पूरा गांव है उसको पूरा गवर्न किया जाता है कासल के द्वारा।
अब यहाँ पे के बहुत कोशिश करता है कि मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो यहाँ पे बहुत ही आइसोलेशन फील कर रहा है क्योंकि कोई भी उसकी हेल्प करना नहीं चाहता। वो जिसको भी बोलता है कि मुझे कासर जाना है, मुझे वहाँ पे मिलना है क्योंकि मैं एक लैंड सर्वेयर हूँ, तो यहाँ पे सब लोग इसको ना सस्पेशन की नजर से देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तब इसकी मुलाकात होती है यहाँ पे इस प्रिवेजर से दोबारा उसी रात को, मतलब इसके वेजर उसके सेकेंड डे इसकी मुलाकात होती है फिर से। तो इसके वेजर बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें कासर की परमिशन लेनी चाहिए लेकिन तुमने परमिशन नहीं ली। तो ये बोलता है कि लेकिन मैं तो लैंड सर्वेयर हूँ और आपके यहाँ से ही मुझको यहाँ पे बुलाया गया है। तो यहाँ पे इसके वेजर ये चीज कन्फर्म करने के लिए फ्रिट्स को कॉल करता है, फ्रिट्स जो कि उस कासर का ही एक ऑफिशियल होता है। यहाँ पे फ्रिट्स को कॉल करके पूछता है कि क्या हमारे यहाँ से किसी के नाम के व्यक्ति को बुलाया गया था लैंड सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रिट्स बोलता है एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूँ, और चेक करने के बाद वो वापस कॉल में ये बोलता है कि नहीं हम लोग ऐसे किसी भी लोग को नहीं जानते हैं, ना ही किसी के ऐसे आने की एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पे इसकी वेजर इसको फिर से बहुत तेज डांट देता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे के है वो नेक्स्ट डे फिर से पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किस तरीके से मैं जाऊं और लोगों से मिलूं और मैं कासर तक कैसे पहुंचूं, मुझे कोई तो सोर्स चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो एग्जैक्टली वहां तक पहुंचे कैसे क्योंकि कोई भी इसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अब यहाँ पे के सोचता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मुझे करना पड़ेगा जिससे मैं वहां तक पहुंच पाऊं। तो इसकी मुलाकात होती है फ्रीडा से। फ्रीडा यहाँ पे इससे मिलती है और तुरंत एट रैंडम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ही ज्यादा मिस हमेशा टायर्ड दिखती है, ऐसा दिखता है कि जैसे ये बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। और के से जब ये मिलती है तो के से बहुत ज्यादा ये खुश हो जाती है क्योंकि के को ये पता चल गया था कि ये जो फ्रीडा है ये किसकी मिस्ट्रेस है, क्लैम की। क्लैम जो कि उस कासल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल था। अब यहाँ पे ये फ्रीडा को यूज करता है, कैसे यूज करता है, एज अ टूल्स उस कासल तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पे फ्रीडा इस चीज को बहुत ही सीरियसली ले लेती है कि अब मैं इसके साथ शादी करूंगी। और यहाँ पे फ्रीडा क्लैम के साथ अपने सारे रिलेशन भी ब्रेकअप कर देती है। तब यहाँ पे जहाँ पे फ्रीडा रह रही होती है उस हाउस की लैंड लेडी बुलाती है गार्डाना को, जो कि एक्स मिस्ट्रेस होती है क्लैम की। और गार्डाना यहाँ पे के को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से ही फ्रीडा ने क्लैम को छोड़ दिया है और तुम अब क्लैम के रेबल बन गए हो, ये तुमने करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अब यहाँ पे फ्रीडा इसको बोलते हैं कि हम लोग शादी कर लेंगे। तो यहाँ पे के क्या सोचता है कि मुझे एक ऐसा मौका मिल सकता है कि जब मैं क्लैम से मिल सकूं। तो ये बोलता है फ्रीडा को और उस लैंड लेडी के सामने कि मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे क्लैम की परमिशन चाहिए। वो यहाँ पे क्लैम को ओनर बताता है और अपने आप को सर्वेंट बताता है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं क्लैम से परमिशन के बहाने मिलूंगा तो मैं इस बहाने उससे मिल भी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे उस लैंड लेडी और यहाँ पे फ्रीडा बोलते हैं कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, उससे मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे लैंड लेडी इसको सस्पिशन की नजर से देखने लगती है। यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा जो गांव होता है, पूरे विलेज के लोग होते हैं, वो सब लोग इसको सस्पिशन की ही नजर से देखते हैं। उसका रीजन ये भी था कि ये उस गांव के लोगों से हाइट में भी बड़ा था, टॉलर ज्यादा था, उन लोगों की अपेक्षा ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी था, फिजिकली भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो लोगों को सस्पिशन हो रहा था कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये क्यों वहां पे जाना चाहता है कासल पे। अब यहाँ पे ये क्या होता है एग्जैक्टली फ्रेंड, यहाँ पे जो के से जितना भी कम्युनिकेशन होगा आगे इस नॉवेल में वो सारा होगा लेटर के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे उस कासल का जहाँ पे ये एज अ लैंड सर्वेयर बनने गया था वहां के लोग डायरेक्टली इससे बात नहीं करते।
अब यहाँ पे जो के है, के को एक लेटर मिलता है उस गांव के सुपरिंटेंडेंट का, तो वो इसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रह के अपना टाइम वेस्ट मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो के को बोलता है कि नहीं, मुझे तो ये लेटर मिला था कि आपके यहाँ से रिक्रूटमेंट आया है कि आप लोगों को एक लैंड सर्वेयर की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो सुपरिंटेंडेंट बोलता है कि नहीं, हमारे यहाँ से ऐसा कोई भी लेटर पास नहीं हुआ है। तो बोलता है कि नहीं, आपको ये चीज देखना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये सब चीजें यहाँ पे कैसे हो रही है? ये सब चीजें हो रही है यहाँ पे थ्रू लेटर। तो यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट की वाइफ होती है मिजी। तो सुपरिंटेंडेंट अपनी वाइफ मिजी को बोलता है कि तुम जाओ और कैबिन पे देखो जाके कि शायद केबिन पे वो लेटर रखा हो, लेकिन यहाँ पे मिजी को वो लेटर नहीं मिलता। और यहाँ पे मिजी उस लेटर को कैसे ढूंढ रही है? एक कैंडल की हेल्प से ढूंढ रही है। अब यहाँ पे मिजी को लेटर नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो के होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। उसको लगता है कि इनके पास जो एविडेंस है वो मिसिंग है, तो शायद मुझे मौका मिल जाए कि मैं कासर पे जाके मिल पाओ। यहाँ पे के को कोई भी मौका नहीं मिलता। इवन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑर्थर और जेरेमिया है, के को ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे और असिस्टेंट है और ये मेरी हेल्प करेंगे कि मैं कासा तक पहुंच पाऊं। इसके इनडायरेक्टली हेल्प करने के लिए यहाँ पे ओसवाल्ड, जो कि एक कासा का ही माइनर सा कैरेक्टर है, माइनर सा ऑफिशियल होता है, ये भी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन एट लास्ट ये हेल्प करने से रिफ्यूज कर देता है। कि यहाँ पे सोचता है कि मैं जितना कासर के पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझसे उतना ही दूर जाता जा रहा है, लेकिन ये अपनी होप नहीं छोड़ता। अब यहाँ पे फ्रेंड, के को जो लेटर मिलने थे सारे, वो कोई तो लेके आ रहा होगा। तो के को जो सारे लेटर लेके आ रहा था, उस कैरेक्टर का नाम होता है बार्नबास। बार्नाबास, तो मैं आपको थोड़ा सा बार्नाबास की हिस्ट्री बता देती हूँ कि बार्नाबास के जो फादर थे एग्जैक्टली वो एक कॉबलर थे, और यहाँ पे जो कासर का बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन था इनके ऊपर, जिसके वजह से बार्नाबास की पूरी फैमिली खराब हो चुकी थी। यहाँ पे ओल्गा एक लड़की होती है जिसको उस कासर के एक ऑफिसियल से प्यार हो जाता है, तो वो लोग किसको मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ओल्गा वहां पे जाने से मना कर देती है, जिससे ओल्गा के फादर जो कि एक फायर ब्रिगेडर होते हैं उनका करियर भी पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और फिर यहाँ पे जो जगह है, एक हैरन हूफ इन, ये एक वो इन थी जहां पे उस कासल के सारे लोग जाते थे और अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को वहीं से पूरा किया करते थे। मतलब कोई भी मीटिंग है या उन्हें कोई भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और लोगों से बात करना है, तो वो लोग हैरन हूफ इन ही जाते थे। एग्जैक्टली जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे फ्रीडा की मुलाकात होती है के से, तो ये दोनों भी यहाँ पे कहाँ जाते हैं? हैरन हूफ इन जाते हैं। अब इस इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेंड, यहाँ पे जो के है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसकी कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। इवन जो इस विलेज के लोग भी हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश नहीं है, बहुत ही डरे हुए होते हैं। और इस नॉवेल में ये भी दिखाते हैं कि जो भी उस कासर की अथॉरिटीज के अगेंस्ट जाएगा तो उसके लिए पनिशमेंट एकदम उसको मिलना पक्का है। तो यहाँ पे जब के पहुंचता है तो के की कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज्यादा अंडर कंट्रोल होते हैं उस कासल के। और फ्रेंड्स, लास्ट में जब ये नॉवेल खत्म होती है तो ये पता चलता है कि जो के है वो इस तरीके से हार चुका है कि अब वो कासल तक नहीं पहुंच पाएगा। और लास्ट में फ्रेंड, एक्चुअली ये जो वर्क है ये अनफिनिश वर्क है, लेकिन फ्रांस काफ्का ने इसका जो कंक्लूजन सजेस्ट किया था वो कंक्लूजन ये था कि के की डेथ हो जाती है उसी विलेज में। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये समझते हैं इस नॉवल में कि के जो हमेशा कोशिश करता रहा कि किसी भी तरीके से मुझे उस कासा तक पहुंचने को मिल जाए, लेकिन उस कासा तक वो कभी नहीं पहुंच पाया। और नॉवेल की लास्ट में फाइनली इसकी डेथ हो जाती है के की। अब फ्रेंड, एग्जैक्टली ये जो कासल है, ये कासल का काउंट का नियम क्या होता है? इस कासल का जो काउंट होता है उसका नेम होता है काउंट वेस्ट वेस्ट। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप लोग याद रखिएगा, काउंट वेस्ट वेस्ट।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से नॉवल खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स जब ये नॉवल फ्रांस काफ्का ने लिखी थी तब उन्होंने और उस टाइम के बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन ये इस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड मैक्स ब्रॉड से ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरी डेथ के बाद ये सारे वर्क मेरे डिस्ट्रॉय कर दिए जाए, लेकिन इनके फ्रेंड मैक्स ब्रॉड ने अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट को नहीं माना और आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रांस काफ्का इन्होंने इनके वर्क जैसे द ट्रायल है और द अमेरिका है और ये वर्क द कासल इसको पब्लिश करा दिया था इनके फ्रेंड मैक्स ब्रॉड ने। फ्रेंड मैक्स ब्रॉड ने एक टर्म भी क्वाइन किया है जिसका नाम है द क्लोज प्रेग सर्किल, जिसमें ग्रुप्स आते हैं जिसे मैक्स ब्रॉड भी हैं, फ्रांस काफ्का भी है और फेलिक्स एक राइटर है वो भी इसमें है। और फ्रेंड एग्जैक्टली इसकी जो थीम है आप इसके थीम से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से कासल मीन्स हम समझ लें कि एक गॉड का क्रिएशन, एक गॉड का पूरा एक राज्य और विलेज क्या मतलब उसमें लोग रहने वाले, तो जो भी गॉड को अपोज करेगा तो गॉड उसको पनिशमेंट देगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसकी थीम को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि अब आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।